हेलो ऑल, वेलकम टू टिटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 20D से क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड आर ₹1080 पर हेक्टेयर इज 14,580, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। करेक्ट, यहाँ पर बेस एंड हाइट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हाइट अगर हमको पता चल जाएगा तो बेस भी पता चल जाएगा, तो हाइट को हम लेट कर लेते हैं। लेट हाइट बी एक्स, करेक्ट, एंड बेस इज इक्वल टू 3x। तो ये जो x एंड 3x फॉर्म में हम पहले एरिया को निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हाफ इंटू बेस 3x इंटू x हाफ, सॉरी 3/2 x² है कि नहीं। तो यहाँ पर इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड 1000 पर हेक्टेयर, मतलब एक जगह को हमारा कल्टीवेटिंग किया गया है एक एरिया का, तो उसी का रेट मतलब टोटल रेट हमको पता है, और किसी रेट पर मीटर भी हमको पता है, तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। करेक्ट, वो कैसे लिख देंगे, पहले रेट ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1080 पर हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 14,580 रुपीज। करेक्ट, तो टोटल इतना खर्चा हुआ है इतने रेट पर, तो कौन से एरिया को तो हुआ होगा ना, तो इसी में से हम एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू ये जो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1080, इतना खर्चा हुआ है पर मीटर के हिसाब से। जब कभी ऐसे क्वेश्चन रहेगा ना, आप डायरेक्टली इसी में से पर मीटर के साथ टोटल जो कॉस्ट हुआ दिया रहेगा आप डिवाइड कर लेना। करेक्ट, इसको हम एक एक जीरो को पहले माइनस कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको किस में करेंगे, 2 5 जा देन 2 4 जा 2 7 देन 2 2 जा 4 1 2 9 जा 729 डिवाइडेड बाय 54। इसको 729 को डिवाइड करते हैं 54 के साथ, होता है कि नहीं। 54 7 29 54 1 जा 54 8 1 ये 9। करेक्ट, ये तो 1 हो गया। 2 में करते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 3 में करते हैं, वन सिक्सटी टू। 4 में करते हैं, 6 1 4 5 20 21 ये नहीं होगा, 21 ज्यादा हो रहा है, तो हम 3 को लेंगे। करेक्ट, तो 3 जा 162 7 2, इसमें पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। यहां तक हम 4 पे किए थे, तो 54 5 जा देख लेते हैं, हो रहा है 13.5, मतलब ये 270 फाइनल हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, 729 डिवाइडेड बाय 54 तो हमारा 13.5 हेक्टेयर। करेक्ट, नेक्स्ट सभी को पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, इसको मीटर फॉर्म में लाएंगे, इज इक्वल टू 10,000
मीटर स्क्वायर, 13.5 हेक्टेयर इज इक्वल टू 13.5 इंटू 10,000। तो 13 ये जो पॉइंट एक है वो चला जाएगा, तो 135,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाले थे, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 3/2x2। अभी एरिया ऑफ फील्ड हम कैसे निकाले, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल फील्ड कैसे निकाले थे, कितने हेक्टर, सॉरी 135,000 हेक्टर, सॉरी मीटर स्क्वायर, मीटर पे हम निकाले थे। इस दोनों को इक्वल करके हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3/2x2 इज इक्वल टू 135,000। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 135,000। ये जो 3 डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई यहां पर है, ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, इसको कट करते हैं। 3 3 4 12, 3 5 नेक्स्ट 45,000। ये 45,000 2 के साथ 90,000 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 90,000 स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी हम स्क्वायर रूट इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस 9 को, इस 4 को, इस 9 को पहले 3 × 3 लिख देंगे इस 9 को, और ये जो 4 जीरोस हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि हमको ये पता था कि 3 × 3 हम कपल फॉर्म में लाते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 × 3 का एक 3 आ गया, नेक्स्ट इस पे एक 10 आ गया, और यहां से एक 10 आ गया, कितना आ गया, और स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद ये वैल्यू हमारा आएगा। तो 300 एक्स, एक्स क्या है, एक्स हमारा किसको लिए थे, हाइट को लिए थे, हाइट इजिकल टू एक्स इजिकल टू 300 मीटर, बेस इजिकल टू 3x, 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, तो 3 × 300 900 मीटर, जो कि हमारा आंसर। ठीक है, 900 मीटर हमारा फाइनल आंसर। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, हाइट हमारा x पे निकला 300 मीटर, बेस हमारा 900 मीटर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर रीजन इज 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 14.8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर वन। मैं यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया हूं, इसका जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसपे वन एंगल 90 डिग्री, और उसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 129.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। और इफ वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 14.8 सेंटीमीटर, कोई भी साइड्स आप ले सकते हो, हम अगर इसी को 14.8 सेंटीमीटर लेंगे तो ये हमारा बेस कहलाएगा। तो हाइट क्या, मतलब फाइंड द अदर वन, मतलब बेस तो गिवन है, हाइट पता करेंगे, एरिया भी गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस तो गिवन है, हाइट हमको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट जो कि एच एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल 129.5 हाफ बेस 14.8 इंटू एच करेक्ट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 2 इंटू 129.5 और ये डायरेक्टली 14.8 को मैं डिवाइड पे ले लेती हूँ और इसको एच है कि नहीं करेक्ट। नेक्स्ट एच इज इक्वल टू 2 इंटू 129.5 डिवाइडेड बाई 14.8 कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बस लेफ्ट को राइट राइट को लेफ्ट तो जो क्योंकि हमको एच का वैल्यू चाहिए। अभी हम इसमें सॉल्व करते हैं देखो 2 इंटू 129.5 डिवाइडेड बाय 148 आप ऐसे डायरेक्टली लिख भी सकते हो अदरवाइज यहां पर 10 मल्टीप्लाई करना है यहां पर 10 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहां पर एक पॉइंट है ऊपर भी एक पॉइंट है तो 10 10 तो कैंसिल हो जाएगा इसलिए आप डायरेक्टली भी विदाउट 10 लिख सकते हो। अभी इसको कट करेंगे 2 7 जा 4 ये इस पे कट करेंगे पहले 129.5 डिवाइडेड बाय सॉरी 129.5 को डिवाइड करेंगे 129.5 74 में डिवाइड करेंगे करेक्ट। तो क्या करेंगे 74 टू जा 148 हो रहा है तो 2 जा नहीं होगा तो 1 ले लेंगे 74 9 4 जा सॉरी 9 माइनस 4 5 और ये भी 5 ये तो कम हो रहा है तो ये नीचे 5 आ जाएगा तो इस पे अभी मल्टीप्लाई करते हैं 2 जा नहीं होगा 3 जा देखते हैं नहीं है 3 पे भी नहीं हो रहा है 4 पे ले रहे हैं ये भी नहीं हो रहा है देखते हैं डायरेक्टली 6 पे लेते हैं ये भी नहीं हो रहा है 7 पे लेते हैं सेवन पे हो रहा है 7 जा 518 ठीक है इसको इरेज करते हैं तो 158 कितना हो जाएगा 7 ये 3 तो पॉइंट डालेंगे यहाँ पर 0 देंगे तो कौन सा नंबर आएगा 5 जा आएगा क्या 5 जा आ गया 5370 ठीक है तो 17.5 इसको इरेज कर लिया मैंने कितना आया 1295 डिवाइडेड बाय 74 था तो हमारा 17.5 क्या है सेंटीमीटर जो कि हाइट है तो फाइंड द अदर वन देयरफॉर हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल इज 17.5 सेंटीमीटर जो कि हमारा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।